हाँ जी हाँ जी हेलो हाँ जी हाँ जी सर, मैं बोल रहा हूँ हाँ, 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 हाँ जी हाँ जी आ, मैं उसको कॉन्फ्रेंस पे ले रहा हूँ कॉन्फ्रेंस पे, ठीक है जस्ट अ सेकंड सर। हाँ बात कीजिए। हेलो हेलो हाँ जी, आप बताएंगे आपने क्या क्या कैसे किया था? मैंने मतलब पर के नमक वाला पानी पिया। कितने ग्लास? सात आठ ग्लास। हाँ जी सेवन टू एट ग्लास पिया। सॉरी सेवन टू एट। ओके, आपने सभी में नमक डाला 1/4 स्पून? हाँ जी सभी में। एक बड़ा चार डाला था ना? हाँ हाँ इतना डाला था। ओके, फिर उसके बाद दूसरे दिन क्या किया आपने? दूसरे दिन आपने शाम को पानी बंद कर दिया था, उसी दिन 36 hours नहीं पिया। फिर दोबारा से नमक वाला पानी पिया, देन फिर दोबारा बंद करके 36 hours नहीं पिया। फिर आपने जो नॉर्मल स्टार्ट था वैसे का, एंड कोई फ्रूट्स नहीं लिया बीच में, और मिल्क वगैरह कोई लिक्विड और भी नहीं लिया? नहीं नहीं कुछ। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने एक दिन 7-8 glass नमक पानी लिया, दूसरे दिन बंद कर दिया, कुछ भी पानी नहीं लिया? हाँ जी। उसके बाद अगले दिन फिर नमक पानी लिया, उसके बाद अगले दिन फिर बंद कर दिया आपने? हाँ जी। और ये आपने 6 दिन किया? नहीं ये 4 days किया अभी, मतलब आज कौन सा दिन है? 5वां दिन है। हाँ जी 5वां दिन। तो आप जब नमक पानी पीने के बाद में अगले दिन में जब पानी छोड़ते थे तो प्यास कितनी लगती थी? इतनी प्यास नहीं लगी। अच्छा, मैनेज हो गया आराम से? हाँ जी। अभी आपका 5वां दिन है, अभी सुबह से आपने कितना पानी पिया? अभी सुबह से मैंने थोड़ा सा पिया होगा, मतलब 2-3 सिप लिया होगा। 2-3 सिप पिया है? हाँ जी। आप ऐसा करो कि अब खाने के साथ में आप पानी पीते रहो 1-1 गिलास, ठीक है? और अगर आपको प्यास लगे उसके अलावा तो 1-2 गिलास और ले लीजिएगा, मतलब 4-5 गिलास के आसपास रखिए। 4-5 मतलब नहीं लग रही है प्यास, ज्यादा नहीं लग रही है। चलिए खाने के साथ तो पीजिए, और प्यास लगने के अलावा मुंह में अच्छे से पानी होना चाहिए, सूखना बिल्कुल नहीं चाहिए मुंह। तो ऐसे करके आप 3 दिन और चलाइए। किसी तरीके कोई दिक्कत हुई है, कॉन्स्टिपेशन हुई हो? मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा है, मतलब इचिंग। हाँ जी इचिंग। अच्छा इचिंग देखो 2-3 दिन के लिए बढ़ती है आपका, अभी आप कह रहे हो कि वो जो था एक्जिमा वो बढ़ गया है? हाँ बढ़ गया, बहुत ज्यादा रेड रेड हो गया है, इचिंग बहुत हो रही है, और मतलब स्किन क्रैक हो गया ना, जैसे लिक्विड सा आता है उसमें से, वो सब हो रहा है। देखिए बीच में ना 2 या 3 दिन के लिए इचिंग बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, और उसके बाद एकदम से गायब होता है। तो आप खाने के साथ पानी पीजिए और 1-2 गिलास पानी और पी लेना। 1-2 गिलास पानी का मतलब है कि जैसे खाना खा लिया ना उसके 2-3 घंटे बाद पी लो, तो होपफुली 2 या 3 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। मतलब देयर इज सम चेंज, जो उसका साइज था वो कम हुआ, या साइज उतना ही है या साइज भी बढ़ गया है? मतलब साइज कैसे समझ? जो एक्जिमा कवर्ड एरिया है जितनी जगह पर है वो वहाँ से फैला है या थोड़ा सा सिकुड़ गया है और इचिंग ज्यादा कर रहा है, तंग ज्यादा कर रहा है? मतलब लग तो कम रहा है पर तंग ज्यादा कर रहा है, इचिंग ज्यादा। तंग ज्यादा कर रहा है ना, वो 2-3 दिन होगी, पर जगह अगर कम होगी तो डेफिनेटली 2-3 दिन में अब खत्म हो जाएगा। हाँ मतलब थोड़ा कम तो लग रहा है पर इचिंग बहुत कर रहा है। इचिंग को किसी तरीके से टॉलरेट करो, ऑयल वगैरह मत लगाना, ऑइंटमेंट मत लगाना, किसी तरीके से उसको हवा वगैरह कर लो। थोड़ा सा वॉक एंड रेस्ट किया था आपने? हाँ जी किया था। वॉक एंड रेस्ट इतना करोगे इचिंग कम होगी, आपको बर्दाश्त हो जाएगी। वॉक एंड रेस्ट जब भी आपको इचिंग करने का मतलब हो रहा हो ना, ज्यादा तंग कर रहा हो, तो आप 5 मिनट चलो 5 मिनट लेटो, 5 मिनट चलो 5 मिनट लेटो, इसको आधा आधा घंटा का ब्रेक करके ना हर 2 घंटे बाद जितना भी टाइम मिले वो कर लो आप, ठीक है? तो ये मुझे लगता है कि मतलब ज्यादा तंग नहीं करेगा, 2 या 3 दिन की बात है। मतलब कल बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, आज फिर भी बेटर है? बेटर है ना, तो वो हो जाएगा अगले 2-3 दिन में, बहुत अच्छा हो जाएगा। और बाकी आप वॉक एंड रेस्ट के ऊपर ध्यान दो, बाकी तो और कुछ करना नहीं है, पानी कम रखना है, खाना ठीक से खाना है, और पेट एकदम अच्छे से साफ हो रहा है, और भूख लग रही है अच्छे से? नहीं भूख नहीं लग रही है बट पेट ठीक है, मतलब अच्छे से साफ हो रहा है। नमक, हाँ जी नमक पानी पीने से मतलब लूज मोशन टाइप हो गया था बट ठीक है अब तो। लूज मोशन नहीं है ना? नहीं नहीं वो नमक वाला पानी पिया उसी दिन हुआ था। हाँ वो पहले दिन हुआ ना? हाँ जी। हाँ होपफुली ठीक हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा पूरा, ठीक है? हेलो आप भी लाइन पर हो ना? हाँ जी हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो देखिए मेरे हिसाब से तो 2-3 दिन ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में ठीक हो जाएगा पूरा का पूरा।
ओके तो और ये इचिंग वगैरह जो भी बड़ी है वो एक या दो दिन तक और होगी, ज्यादा से ज्यादा आज जैसे बेटर इनको लगी रहे तो हो सकता है आज से ही बेटर हो जाए और कल तक इचिंग खत्म हो जाए, फिर उसके बाद बस दो तीन दिन और ज्यादा से ज्यादा छह दिन पास करने की जरूरत है, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। ओके आई होप ऐसे ही हो, बिकॉज इचिंग वगैरह प्रॉब्लम कुछ ज्यादा हो रही थी तभी मैंने आपको कॉल किया, वरना मैं 10 डेज बाद ही बोलता बिकॉज आपने नहीं नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कॉल करने के कोई इशू नहीं है क्योंकि कॉल कर लिया तो अच्छा है, वो नमक पानी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, पर इनका जो साइज तो सिकुड़ी है, एरिया तो कम हो ही गया कवर्ड एरिया, तो कवर्ड एरिया कम होने का मतलब ये है कि इट इज बीइंग एक्सपेंड, हाँ वो काम कर रहा है और वो इचिंग होती है तीसरे चौथे दिन, इचिंग होती है दो दिन, आज तो ये बेटर फील कर रही है, कंफर्टेबल है थोड़ा सा, तो होपफुली कल तक इचिंग खत्म हो जाएगी और परसों तरसों में ये खत्म हो जाएगा, नहीं भी होगा तो भी मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम कह लो 10 या 15 दिन और लग जाएंगे, और क्या होगा और लग जाएंगे मतलब 10 या 15 दिन में। वैसे तो जो ये फीडबैक दे रहे हैं उसके हिसाब से 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ओके सर, पर अगर ज्यादा भी लगा थोड़ा सा रह भी गया तो भी 10-15 दिन में हो जाएगा। ओके ओके ठीक है। और सर बीपी, इनको ना बीपी लो भी रहता है तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, नमक से तो बीपी ठीक हो ही जाता है और पानी थोड़ा सा अप कर ले, अभी जैसे 2 दिन तो नमक पानी पी चुके हैं ना, तो अब पानी को थोड़ा सा अप कर ले, थोड़ा सा नमक अगर बॉडी में रह भी गया होगा तो निकल जाएगा, तो वही 3 से 6 ग्लास के बीच में वेरेवर शी फील्स कंफर्टेबल, पर मेरे हिसाब से अगर 1-2 दिन और अगर इनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो हो नहीं रही होगी नमक 2 दिन पिया तो जी, तो 3 या 4 ग्लास की थोड़ी तबियत सी ना डाउन हो गई थी, इस चीज मुझे लगा इस चीज का कोई रोल था उसमें, क्या हुआ था? पहला पानी पिया था मतलब, तो लूज मोशन हो गए ना, लो वैसी थोड़ा सा बॉडी हल्की सी होती है तो इसलिए लो फील होता है, वैसे तो कुछ नहीं होगा, वो थोड़ा सा भूख भी लगती है, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से खाना शुरू करते हैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, आपका खाना का इंटेक कितना है दोबारा बताना, कितनी रोटी खाते हैं? इस बार तो मैंने फ्रूट भी नहीं खाया और खाने का मन भी नहीं किया, सिर्फ एक रोटी खाया मैंने, मतलब एक क्या पूरे दिन में 2-3 रोटी खाई है। हाँ तो ये तो गड़बड़ कर रहे हो ना, पूरे दिन में एक दिन एक बारी में 3 दिन खाओ, खाया ही नहीं जा रहा तो फिर तो आप बैठो ना आराम से खाओगे, कोशिश करोगे तभी होगा, अगर ऐसे छोड़ दोगे तो थोड़ी होगा, उसमें खाने का तो पूरा पूरा रोल है, अगर आप पूरा तरीके से खाओगे नहीं तो थोड़ी ठीक होगा, वो तो आप खाने का नहीं भी मन कर रहा तो आप जल्दी जल्दी मतलब जल्दी जल्दी उसको अंदर करने की जगह आराम से बैठो, 15 मिनट लगाओ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे 2-2 मिनट रुक के खा लो, हो जाता है वो, थोड़ा सा दिक्कत होती है पर हो जाता है अगर कोशिश करो, और अगर फिर भी नहीं खाया जा रहा तो आप एक काम करो, आधा आधा चम्मच चीनी खाना शुरू कर दो, एक एक घंटे बाद आधा चम्मच चीनी खाओ तो उससे खाया जाएगा फिर, ठीक है ना, तो आप एक रोटी खाओगे तो नहीं इम्प्रूव होगा। कितनी खानी है रोटी यार जो इस एज में, कम से 3-4 रोटी तो खानी चाहिए आपको, खानी है 3-4 रोटी। ओके जबरदस्ती भी खा रहे टीवी के सामने बैठ जाओ, जबरदस्ती का मतलब ये नहीं है कि वो उल्टी हो जाए बाद में, मतलब टाइम लगाओ, 15-20 मिनट आधा घंटा लगाओ, धीरे धीरे करके खाओ, और साथ में घूट घूट पानी लेते ना, पानी भी तो बीच में पीना, पानी के साथ तो खाई जाती है रोटी, बिल्कुल नहीं खाई जाती, ये सब आपके सिस्टम को ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर एनीवे आप थोड़ा सा चीनी खाओ फिर बताओ मेरे को दोबारा शाम तक ही बताओ चीनी खा के कैसा लग रहा है, अगर जरूरत पड़े तो एक एक चम्मच खा लो, हाँ एक एक घंटे में आधा आधा चम्मच खाते रहो, ठीक है ओके ठीक है सर, मैं कॉल करता हूँ आपको, ओके ओके थैंक यू थैंक यू।